टीवी की बात दाल करने में चावल नहीं की समझ बात आ कर रही रहे है हैं, आपकी हम बात, एक्सटर्नल मुझे आपकी फैक्टर्स की बात तो बात ही समझ नहीं आ कर रही, रहे। मुझे आपकी बात समझ आ गई है, प्लीज मेरी बात सुन जी लें। जी बिल्कुल बिल्कुल आप मैं बताइए। आपसे अर्ज ये कर रही हूँ कि एक दफा पेट्रोल की कीमत कम की थी गवर्नमेंट ने और पेट्रोल पंप बंद हो गए थे, कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा था, अंटिल उसकी कीमत वापस की गई। तो पेट्रोल जो है वो रिलेटेड है बाहर की कीमतों से। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज ये महंगी करते हैं। मिडिल मैन की बात मैं कर रही हूँ, ये लोग हर चीज का बहाना बनाते हैं, जी वहां से आई है तो इतनी महंगी हो नहीं तो गई, हमारी पेट्रोल की गाड़ी कीमतें का क्यों बढ़ किराया रही इतना है? महंगा आपने हो गया। एलएनजी जो है वो दूसरे ममालिक ने 6 6 महीने के लिए स्टोर कर लिए, पाकिस्तान जो है वो 36 पाकिस्तान के डॉलर्स पास पर जाकर यही उसने चीज हो मुआवजा जाएगा, किया, जब 4 से 5 डॉलर पाकिस्तान पे के मिल रही पास थी तो एलएनजी जगह तब स्टोर नहीं नहीं है की कि हम उन्होंने। तीन स्टोर करें। ये पिछली हुकूमतों का काम था ना कि वो इस तरह के स्टोरेज की जगह बना के जाते हैं जहाँ साल से रखी जा आप लोग सके। हैं हुकूमत में, कैसे मुस्लिम तीन लीग साल नून कुछ और जो नहीं है वो होता पीपल्स भाई, पार्टी तीन कैसे साल स्टोर कर कुछ सकती नहीं है? होता। ये पहले थे, इनको नहीं चाहिए था कि ये अपने उसमें इस तरह की जगह बनाए जहाँ पे वो अपने ऑयल को या पेट्रोल को या गैस को रख सके। कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने, सारी चीज आ जाती है कि 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, 30 साल नहीं हुए इन लोगों को, 30 30 साल हो गए, एक नहीं को तो 50 साल क्या हो गए, उसको जब पाकिस्तान की कहते हैं आवाम को 30 साल का 3 साल इज इंतजार करना नथिंग, पड़ेगा? ये तो बड़ी अजीब बिल्कुल नहीं सी। करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि किस तरह कोशिश कर रहा है आपका प्राइम मिनिस्टर, क्या उस कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह आके रोजाना आवाम को बताया है कि अब किन हालात से गुजर रहे हैं हम या किन हालात से गुजर रहे हैं, एक एक चीज सब